सलाम दे दौर दे अंदर मुसलमान होने की सआदत हासिल हुई। हजरात हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला नूं दा खानदान चंद उन्हां खानदानां दे अंदर शामिल है कि जिस खानदान की बेटी नूं नबी अलैहि सलातु वसलाम की बीवी उम्मुल मोमिनीन बनन की सआदत हासिल हुई। और उन्हां दा नाम की है पता भी किसे नूं बोलते ने भाई बोलो भाई नहीं जी जो सवाल भी तो करना चाहिए ना सारे सानू ही पूछी आते हो भाई कुछ तुसी भी दसो जी दसो जी बाबा जी नहीं जी उम्मे सलमानी माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बूटी लाई आवाज बार टुर गई। हजरात बड़े सारे सहाबाए किराम नबी अली सलाम दे बरादरे निस्बती ने लेकिन मुखालिफीन दियां चालां नूं भांपदे होया सहाबाए किराम ने जिन्हां नूं खालुल मोमिनीन उम्मत ने सलफ सालहीन ने जिन्हां नूं खालुल मोमिनीन करार दिता है हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अनु। और फिर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अनु लोग अज पता नहीं किवें मुंह खोल के आंदे ने फजीलत दे विच हदीस कोई नहीं आंखें अगर बंद हों तो दिन भी रात है इसमें भला क्या कसूर आफताब का। हजरात नबी अलैहि सलातु व सलाम दे हाथ दे उते इस्लाम कबूल करन तो बाद आप दे नाल 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 खास मौकियां दे उते हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अनहु नजर आउणगे। एक और तुहानू बड़ी दिलचस्प गल सुनाना नबी अली सलातु वसलाम ने हज किया हज करन दे मौके दे उते किहड़े सहाबी ने जिन्हां ने नबी अली सलातु वसलाम दे बाल उतारे और आप दी टिंड मुबारक की क्यों भाई हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अनु ते टिंड किहदे नाल की उस्तरे नाल ब्लेड नाल कैंची नाल नहीं बेमिशकस तीर दे फल दे नाल हजरत मुआविया ने मरवा दे उत्ते हज्जतुल विदा हज वाले मौके ते हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुबारक सिर जड़ा है उहदे बाल उतारे ने। वो मेरे भाईओ अगर वह जान दे वैरी सन तो इत्थे ही टेढ़ करदियां दे छड़दे गर्दन दियां रगां दे विच तीर भरो देंदे सिर मुंडवाना। अज असीं आने कि दर्जी ते ना ही बंदा अपनी मर्जी नाल नहीं बदल सकता वो की वजह है कि ये दोवें बंदे बाएतमाद हुंदे ने और यही एतमाद नबी अलैहि सलातु वसलाम नू हज़रत मुआविया दे उत्ते सी अगर जान नू खतरा हुंदा या इस्लाम नू खतरा हुंदा जान नू खतरा हुंदा ते कदी टिंड ना उन्हां दे कोलों करवांदे ते जे दीन नू इस्लाम नू खतरा हुंदा ते कदी कुरान ना हजरत मुआविया दे कोलों लखवांदे कुरान मुआविया को लखवाया। और फिर आओ तुसी ये भी बात सुन के हैरान होवोगे सब तो ज्यादा दुआवां नबी अलैहि सलातु वसलाम ने किहड़े सहाबी नू दित्तियां ने चुप कर रहिंदे हो सब तो ज्यादा दुआवां नबी अली सलाम ने जेड़े सहाबी नूं दित्तियां ने उन्हां दा नाम है मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया ऐ अल्लाह तेरा नबी दुआ करदा है कि इहनूं हिदायत देन वाला बना महदिया हिदायत दा माखज बना। और ये बात मैं कहना चाहना पहले तमाम खुलाफा दे दौर दे अंदर इस्लाम ईमान दे कारनामे एक पासे ओ साबिकून ने लेकिन इस्लाम दियां सरहदां और इस्लाम दी दावत जिन्नी हजरत मुआविया दे दौर दे अंदर फैली है किसे होर खलीफा दे हक विच आई नहीं। यही वजह है उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां हुंदियां सन या अल्लाह मेरी उम्र भी मुआविया नूं ला दे। कौन आंदियां सन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा। सबब की है फिर सवाल इन्हां शियां दोस्तां दे कोलों कर लो भाई 40 साल हुकूमत कीती है हजरत मुआविया ने दुनिया दा कोई मुखालिफ तरीन शिया हजरत मुआविया दी 40 साल हुकूमत दे 10 ऐब कढ़ के लै आवे 10 भी चलो 5 छड़ देना 5 लै आवे जाओ तुहानू 999 माफ ने
ऐसी बेहतरीन हुकूमत की है। हजरत मुआविया की हुकूमत का कोई माई का लाल सख्त तरीन दुश्मन ते मुखालफ उन्हों का एक ऐब कढ के लै वो ये गल्लां तुसां कन्नां दे उत्तों लंघा दित्तियां। सुन लो नबी अली सलातु वसलाम ने की फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताबा वल हिसाबा। बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद ने, फरमाया अल्लाह इनूं किताब सिखा दे। किताब तो मुराद की है कुरान, तमाम इस्लामी उलूम दी मां है, जिहड़ा कुरान दा माहिर तमाम उलूम दा माहिर है। फरमाया इनूं दीन इस्लाम दा भी माहिर बना दे। अल हिसाबा मैथेमैटिक जड़ा है ये तमाम उलूम दी मां है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस एटनोमिक स्टडी जिन्ने भी दुनियावी उलूम ने उन्हां दे अंदर हिसाब दा मैथ दा बुनियादी किरदार है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह इनू दीन दा भी आलम बना दे ते दुनिया दे उलूम दा भी आलम बना दे। हुण दीन और दुनिया दे उलूम दे आलम एक बंदा भज्या होया अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास दे कोल आ गया। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास गल सुनी जे फरमान लगे की ए हजरत मुआविया आंदे ने वितर की है। फरमान लगे जो आंदे ने हक आंदे ने इन्नहु लफकीहुन, ओ कोई आम सहाबी नहीं फकी सहाबी ने। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्कीहु फिद्दीन। मेरे भाईओ दोस्तों फजैल आले नु फजैल नजर नहीं आए। नबी अली सलातु व सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताबा वल हिसाबा वकील अजाब। या अल्लाह मुआविया नु दुनिया आखरत दे हर अजाब तो महफूज कर लई। नबी अली सलाम ने की फरमाया अल्लाहुम्मा जालू हादिया महदिया वहदी भी ही। अल्लाह मुआविया दे जरिया लोगों नु रहनुमाई ते हिदायत अता फरमा। और नबी अली सलातु व सलाम आपने फरमाया अव्वलु जैश मिन उम्मती यगजून अल बहरा। फरमाया मेरी उम्मत दा एक ग्रोह समंदर दे अंदर लड़ेगा। कद औजबू उन्होंने अपने आस्ते जन्नत नू वाजब कर लिया। सहाबा किराम दी गवाही है कि समंदर दे अंदर जड़ा लड़न वाला ग्रोह है ये कौन ने, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अली सलाम दी दूसरी हदीस फरमाया मैं अपनी उम्मत दे कुछ अफराद नू बादशाहां दी तरह तख्तां दे उत्ते बैठियां समंदर च सफर करदियां ते लड़दियां वेख्या है। नबी अलैहि सलातु व सलाम दी इस ख्वाब दी ताबीर कौन ने, मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु। अज कोई शहनशाह साहेब, कोई बादशाह साहब, कोई बुखारी साहब, कोई नकवी साहब और कोई तकवी साहब बड़े बड़े हजरत मुआविया दे उत्ते बहस कर रहे ने। मैं पूछना चाहना हजरत मुआविया नू खलीफा किन्ने बनाया सी, दसो भाई किन्ने बनाया? नहीं जी, माशाल्लाह अहसंत। अगर तुसी हसन नू मानदे हो ते मानने असी भी हसन हाँ। असी किवें मनिया? पूरा मनिया, जात नू भी मनिया ते बात नू भी मनिया। हजरत मुआविया नू हजरत हसन ने खलीफा बनाया। असा मौला हसन दे हाथ दी हया कीती है, उन्हें हजरत मुआविया दे हाथ दे उत्ते बैत कीती है ते असा भी उन्होंने खलीफा मान लिया। हजरात सिर्फ ए ही नहीं, मैं भी सवाल करना चाहना अज जड़े हजरत मुआविया नू बुरा कह रहे ने गालियां दे रहे ने, क्या हजरत अली ने सारी जिंदगी हजरत मुआविया नू कदी बुरा आख्या होवे गालियां दित्तियां होन? हजरत हसन ने कदी बुरा आख्या होवे? हजरत हुसैन ने अगर अपने इन्हां तीन इमामां दे कोलों हजरत मुआविया के खिलाफ एक नुकता एक गाली भी लै आओ, असी पूरे का पूरा मौलवी उहदी काली वर्दी ते पगड़ी समेत नोटां दे नाल तोल के रख देंगे। और जालिमो अगर अहले बैत दे नाल मुहब्बत का दावा करते हो, अहले बैत ने तो हजरत मुआविया के नाल दुश्मनी की नहीं। और वाकया करबला तो बाद इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह तबारक व तआला अलैहि सलाम, मैं कह देना चाहना वा साडे नजदीक अगर अली अलैहि सलाम ने ते अबू बकर भी अलैहि सलाम ने,
ਫਾਤਿਮਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ। ਜਾਓ ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ, ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਬਿਨ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਬਿਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਨ ਕਿਨਾਇਆ ਤਨ ਵੀ ਤਬਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਸੰਦੇ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਅਜ਼ਮਤ ਸਿਹਾਬਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਰਿਸਾਲਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ੇ ਔਰ ਪਹਿਲੂ ਐਸੇ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਦੋਸਤ ਘੜੀ ਕੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਹਦੀਸ, ਇੰਨਾ ਮੱਲਾ ਮਾਲੋ ਬਿੰਨੀ ਆਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਗੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਦੀਸ ਇੰਨਾ ਮੱਲਾ ਮਾਲੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਨਬੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਲਮ ਬਾ ਅਮਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਲ ਬੁਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਅਲ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਮੁਹੱਦਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਸਈਦ ਅਲ ਖੁਦਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਹਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਲੈਣ, ਵਜ਼ਾਇਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵੀਆ, ਇੱਜ਼ਤ